तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हम लोग को बताया था कि मेरे चैनल पे आ चुके कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जो कि पड़े मेरे सेकंड चैनल पे जिसका नाम फनी बंदे। पर दोस्तों, एक और बुरी खबर है, अब यूट्यूब ने मेरे चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया है। दोस्तों, उसी चैनल को, फनी बंदे को, जिस चैनल पर यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दी थी, दोस्तों उसी चैनल को यूट्यूब ने अब डीमोनेटाइज कर दिया है। डीमोनेटाइज का मतलब होता है दोस्तों, अब उस चैनल पर एड्स नहीं आएंगी। एड्स नहीं आएंगी तो मैं उस चैनल से एक भी पैसा नहीं कमा पाऊंगा यूट्यूब के द्वारा। मैं चाहूँ तो स्पॉन्सरशिप कर सकता हूँ या फिर अपनी कोई चीज़ को प्रमोट कर सकता हूँ, पर दोस्तों मुझे YouTube की तरफ से एक पैसा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है। तो दोस्तों, जानेंगे आज की वीडियो में कि मेरे चैनल को YouTube ने डीमोनेटाइज क्यों किया है, ऐसे मैंने कौन सी गलती की थी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक क्रिएटर हैं तो ऐसे बहुत सारी गलती हम लोग कर देते हैं जिसके हमें बाद में पछतावा होता है, पर दोस्तों हमें उसको सोल्यूशन नहीं मिलता है। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते तो हैं यूट्यूब से जुड़ी हुई, पर वो ज़्यादातर बातें करते हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। उसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है एक क्रिएटर की, जो मेन दिक्कतें आती हैं एक यूट्यूबर को, उसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मेरे चैनल को यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया, तो अगर मैं उस कारण को ढूंढने जाता हूँ यूट्यूब पर कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। अब मेरे चैनल पर यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दी, उसका सोल्यूशन अगर मैं ढूंढने जाता हूँ तो मुझे यूट्यूब पर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी परेशानी को सामना आपको ना करना पड़े। अगर आप भी क्रिएटर हैं और आपको ऐसा कोई दिक्कत आ रही है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप उस दिक्कत का हल निकाल पाएँ और भविष्य में आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको चैनल मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले जो मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी, उसका कारण था कि मैंने अपने टाइटल में लिख दिया था फुल मूवी डबिंग वीडियो, जबकि मेरी वीडियो थी एक मिनट की। अगर आप फुल मूवी लिखते हैं अपने टाइटल में, इसका मतलब आपकी वीडियो है वो एक घंटे से ऊपर की होगी, पर आपकी वीडियो सिर्फ एक मिनट की थी, इसका मतलब आप धोखाधड़ी कर रहे हो और व्यू पाने के लिए, आप व्यूज़ लेने के लिए यूट्यूब के साथ धोखा कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, मुझे आ गई यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। पर दोस्तों, अब जो मेरा चैनल यूट्यूब ने डीमोनेटाइज किया है, उसका दोस्तों कारण आया है रीयूज्ड कंटेंट। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे, अगर आप अपनी वीडियोस में या अपने चैनल पर किसी और की वीडियो को अपलोड कर देते हैं और उसे दोबारा यूट्यूब पर अपलोड कर देते, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई वीडियो किसी थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड कर ली, जैसे मान लीजिए मैंने इंस्टाग्राम से किसी वीडियो को डाउनलोड किया, उसे मैंने कुछ काट छाट किया, दोबारा यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तो दोस्तों मेरे चैनल पर आ जाएगा रीयूज्ड कंटेंट और मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। आज के टाइम पर दोस्तों, यूट्यूब बहुत सारे नहीं हज़ारों चैनल को ऐसा होता है कि रीयूज्ड कंटेंट लिख देता है और उसके चैनल को मोनेटाइज तो करता ही नहीं है, और जिनका मोनेटाइज है कई बार उनको डीमोनेटाइज भी कर देता है। पर दोस्तों, मेरा तो खुद का कंटेंट था, मैं अपनी वीडियोस खुद बनाता हूँ, खुद एडिट करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे चैनल को यूट्यूब ने डीमोनेटाइज क्यों कर दिया। तो दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा था दोस्तों, ये मेरी खुद की गलती के कारण डीमोनेटाइज हुआ है। हो सकता है कि मेरी गलती आप लोग को थोड़ी फनी लगे, पर दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब से इस तरीके से पैसा कमा लेंगे, पर दोस्तों इस तरीके से पैसा नहीं कमा पाओगे, आप इस तरीके से फंस जाओगे। दोस्तों देखिए, बेसिकली हुआ क्या था, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया फनी बंदे, मैंने फनी बंदे पर जाकर यूट्यूब से अपनी ही वीडियोज़ को डाउनलोड कर लिया। अपनी वीडियोज़ को डाउनलोड करने का मतलब है कि जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड थी, मैंने उन्हीं को डाउनलोड कर लिया, उनको काइनमेस पर जाकर एडिट कर दिया, एक मिनट की वीडियो को 20 सेकंड का बना के तीन वीडियोस को अटैच करके एक मिनट की वीडियो बना के दोबारा से अपलोड कर दिया। अब दोस्तों इससे क्या हुआ, इससे जैसे मैंने वीडियो को अपलोड किया, कुछ टाइम बीता, तो दोस्तों यूट्यूब ने पकड़ लिया कि ये सब वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हैं और इनमें सिर्फ काट छाट की गई है, इनमें कुछ नया नहीं ऐड किया गया है। दोस्तों इसी कारण यूट्यूब ने मेरे चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो यूट्यूब से चार पांच वीडियोस को डाउनलोड करते हैं, उन्हें काट छाट करके यूट्यूब पर दोबारा अपलोड कर देते हैं इस उम्मीद से कि हमारा चैनल को यूट्यूब मोनेटाइज कर देगा, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों उसका कारण है, यूट्यूब कहता है कि अगर आपको अपने चैनल को मोनेटाइज कराना है तो आपको उसमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मोदी जी की वीडियोस है, आपने मोदी जी के जो चैनल पर जाके सर्च किया मोदी जी की वीडियोस को और आपने डाउनलोड कर लिया, अब आप दोबारा ऐसी वीडियोस को अपलोड कर दोगे यूट्यूब पर तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज होगा ही नहीं। अब कैसे मोनेटाइज कराना है, दोस्तों मोनेटाइज कराने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में बोलना पड़ेगा कि आज हम दिखाने वाले हैं आपको ऐसे कुछ फनी क्लिप्स जो जिसमें मोदी जी बोल रहे हैं ऐसी बातें या ऐसी बातें, आज आपको बताएंगे ऐसे क्लिप्स। स्टार्टिंग में 5 से 10 सेकंड आपको अपनी क्लिप्स ऐड कर देनी है, बीच में कुछ क्लिप्स ऐड कर देती हैं और लास्ट में। इससे दोस्तों क्या होगा, एक तो आपका फेस आ गया, अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हो तो आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में किसी की वीडियो चलाकर अपनी आवाज़ ऐड कर दीजिए, बीच में मोदी जी का चला दीजिए वीडियो को और लास्ट में फिर अपनी आवाज़ से कुछ बोल दीजिए। इससे दोस्तों क्या होता है, इसमें आपने कुछ मेहनत की, कुछ अपनी आवाज़ को अटैच किया, कुछ एडिट किया, जिससे दोस्तों एक नई वीडियो तैयार हो गई। दोस्तों ऐसे करके आप चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स से गलती करते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब से वीडियोस को डाउनलोड करते हैं, बस दो तीन वीडियोस को ऐड करके उसमें मीम्स लगाकर दोबारा से अपलोड कर देते हैं।
जब YouTube को यह पता लग जाती है तो दोस्तों आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर देता है, या कई बार आपके 4.5 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद भी, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद भी आपके चैनल को मोनेटाइज YouTube करता ही नहीं है और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। दोस्तों हाल फिलहाल में मेरी एक यूट्यूबर से बात हो रही थी जिसके चैनल पर करीबन 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे और उस व्यक्ति ने उस महीने में करीबन 2 लाख रुपये कमाए थे सिर्फ ऐसे मीम्स यूज़ कर करके, मतलब कि उसने 2-4 वीडियोस को ऐड किया, उसमें मीम्स लगाए, दोबारा से उसे अपलोड कर दिया, YouTube ने चैनल को मोनेटाइज भी कर दिया। पर दोस्तों जैसे उसके पैसे आने वाले थे YouTube ने उसके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया। डीमोनेटाइज के साथ साथ दोस्तों उसके एडसेंस को डिसेबल भी कर दिया। और दोस्तों जब आपका एडसेंस डिसेबल हो जाता है तो YouTube आपके पैसे को कभी भी नहीं देता है। इसका मतलब उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स बेकार हो गए, 2 लाख रुपए की उसकी कमाई बेकार हो गई। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई काम करना है तो आपको कुछ उसमें ऐड करना होगा, स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना होगा, लास्ट में कुछ ऐड करना होगा और कुछ उसमें एडिटिंग करनी होगी। सिर्फ वीडियोज़ को डाउनलोड करके कट करके दोबारा अपलोड करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों मैंने भी यही गलती की थी, मैंने अपने चैनल से वीडियोस को डाउनलोड किया, सिर्फ कट करके दोबारा से अपलोड कर दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ऐसे चैनल मोनेटाइज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो दोस्तों ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं, YouTube ने मेरे चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया है, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।